आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। फर्स्ट शाइन नर्सिंग होम। फर्स्ट शाइन नर्सिंग होम। हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। एंड ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर। ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड उलमाए अहले सुन्नत बनपुर के बैनर तले हीरापुर थाने में नूपुर शर्मा और जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और मांग की गई कि गुस्ताखे रसूल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। सिर्फ उनको ओहदे से बर्खास्त करना काफी नहीं है, गुस्ताखे रसूल को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए ताकि मुल्क में अमन अमान और सलामियत बहाल रहे। उलमाए मशाइख बोर्ड के नायब सदर मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद ईसा मिसबाही, सैयद महफूजुल हसन, मौलाना सिराज, मौलाना नसीम खास तौर से मौजूद थे। इसके अलावा बनपुर जामा मस्जिद की जानिब से भी हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। Thanks a lot for your cooperation and good behavior. आज उलमा अहले सुन्नत बरनपुर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर तले पीएस हीरापुर जिला पश्चिम बर्धमान में अनुपम शर्मा और जंदल जो गुस्ताखी किया जिसकी वजह से पूरे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और अमन ख़त्म है। इस सिलसिले में हम लोग एक एफआईआर दर्ज करने के लिए आए हैं कि गुस्ताखे रसूल को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उसे जेल में डाला जाए ताकि मुल्क अमन अमान और मुल्क की इस्लामियत बहाल रहे। लेकिन इसमें यूपी की हुकूमत और मरकजी हुकूमत कोताही कर रही है जिससे बदअमनी फैल रही है। हम उलमा अहले सुन्नत बरनपुर उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर तले ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उसे गिरफ़्तार करके सख्त सख्त सजा दी जाए। मोहम्मद मदीन अहमद हदवी, नायब सदर उलमा मशाइख बोर्ड जिला बर्दवान और खतीब मस्जिद के डंगाल बरनपुर। जनाब, पूरे हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त एक बेचैनी फैली हुई है तमाम अहले इस्लाम के दरमियान। हम उलमा मशाइख बोर्ड के तहत यहाँ हीरापुर थाना बर्दवान में हाजिर आए हैं अपने तमाम अहबाब और कमेटी और मामू के साथ, इसलिए कि अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए गुस्ताखाने रसूल नूरपुर शर्मा और जिंदल और इस तरह के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हम कराएं और हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ हमारे पैगंबर जो मैसेंजर ऑफ पीस के नाम से पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं उनके ख़िलाफ़ जो इश्तियाल अंगेज़ी जो गुस्ताखियां की गई हैं हुकूमत इस पर कान धरे और करार वाकई सज़ा उसे दिलवाए। सिर्फ उनको अपने ओहदों से बर्खास्त करना ये काफ़ी नहीं है, ये मामूल है और ये हमारे हिंदुस्तान की एक तहजीब है कि हम यहाँ हर मज़हब और धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। हमारे इस्लाम ने, हमारे पैगंबर इस्लाम ने और कुरान ने यहाँ तक कहा कि तुम किसी दूसरे के माबूद को या उनके रहनुमा को बुरा भला नहीं कहो। खुलेआम पैगंबर इस्लाम जिनकी अजमत दुनिया तस्लीम करती है, ये चंद लोगों के इशारों पर गुस्ताखियाँ करके उनकी शान में गुस्ताखी करके करोड़ मुसलमानों के दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि कानूनी तौर पर
उन्हें जो सज़ा दी जानी चाहिए बिल्कुल करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को इस किस्म की हरकत और जुरत का मौका न मिले। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ईसा मिसबाही, खतीब इमाम नूरी मस्जिद आज़ाद नगर। आसनसोल वार्ड नंबर 21 के सुगम पार्क इलाके में टीएमसी पार्टी दफ्तर में खून हत्या कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मलाई घटक बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थे। उनके अलावा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, डॉक्टर संजीव चटर्जी, अशोक रुद्रा, उत्पल सिन्हा खास तौर से मौजूद थे। विशेष करে জঙ্গল মহল থেকে দার্জিলিং এর পাহাড় পশ্চিম বাংলার 87টি সরকারি ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের মাননীয় সত্যদান আন্দোলনের চেয়ারম্যান আপনারা প্রত্যেকে জেনে রাখবেন সারা পশ্চিম বাংলা এবং মাননীয় মন্ত্রী আজ এই স্টেট ব্লাড ট্রান্সমিশন কাউন্সিলের সার্টিফিকেট দিয়ে আপনাদের এই রক্তদাতাকে সম্মানিত করতে পেরে আমরা সবাই সম্মানিত হচ্ছি। दीदी सामने जाओ, सामने जानना। আছেন গুণকর চ্যাটার্জি কাউন্সিলর, আছেন আমাদের অর্জুন মাঝি প্রিয় কাউন্সিলর, এবং রক্তদানের খালি আমাদের আসানসোল নয় সারা পশ্চিমবঙ্গে যার নাম সেই প্রদীপ ভর, তিনি আজকে এখানে উপস্থিত আছেন। রক্তদান হচ্ছে মানুষের মহত্তম, একজন মানুষ রক্ত দেয় से रक्त और एक मानुषे प्राण बेचे जाए, किंतु एखो हमारे देश में रक्त अभाव अनेक मानुषे प्राण चले जाए विसर्जन हो जाए। साइंसर अग्रगत संगे संगे रक्त विभाजन किंतु एन आगे एक जन रक्त दी एक मानुष के देवा जित एक बोतल रक्त दो जन तीन जन चार जन मानुष को से रक्त भाग कर देवा जाए। तई रक्तदान जो आंदोलन से आंदोलन के आरो जोरदार करते हैं, जाते हमारे देश में एक मानुष रक्त अभाव प्राण विसर्जन ना जाए। रक्त विभाजन जो मेसिन से अनेक दामी कस्टलि मेसिन, आप धन्यवाद जाना मुख्यमंत्री মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় के हमारे आसानसोले आज के चार बच्चर आगे ब्लाड सेपारेशन यूनिट फ्री कर दिए, अर्थात एखे जदि आज के 30 जन मानुष 30 बोतल रक्त दें তাহলে 390 জন মানুষকে সেই রক্ত দিয়ে বাঁচানো যাবে। ব্লাডকে সেপারেট করা যায়, যেমন কারো যদি ডেঙ্গি হয় তাহলে তার প্লেটলেটের দরকার হয়, কেউ রক্ত দিলে তার রক্তের থেকে খালি প্লেটলেটটুকু দিয়ে ডেঙ্গি রোগী যেমন সেরে উঠবেন তেমনি বাকি রক্তটুকু অন্য মানুষের শরীরে দেওয়া যায়। আমি রক্তভোগে জিজ্ঞাসিত করছি না, আমি রীনা এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, সে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি বলবো ঠিক এইভাবেই ওয়ার্ডের মানুষের সঙ্গে থেকে ওয়ার্ডের মানুষের যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের কাজ যেন সে করতে পারে, এবং তার জন্য যেটুকু তার পাশে থাকার দরকার তার পাশে থেকে উন্নয়নের কাজ করার দরকার, আমি এবং রীনা দুজনে একসঙ্গে সেই কাজ করব। क्योंकि KGN वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, PVC, मेट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल स्माइल आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कॉर्पेट, वुडन फ्लोर कॉर्पेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आएं।
ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250259567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम, जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। गेट बेटर एट द प्लेस वेयर यू लिव। हमारे यहां 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विथ फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 7133-04। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609-00266, 6295-280-253। कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। रेडी, सर आपने एक उद्बोधनी संगीत माध्यमे अनुष्ठान शुभ सूचना हो। আপনারে শুধু ফেরিয়া ফেরিয়া
তোমার ইচ্ছা কবে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে যাচিয়ে তোমার চরম শান্তি পরমে তোমার পরম কান্তি আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও বিনয় পদ্ম তলে সকল অহংকার বিয়ামা রূপাহ চোখের জলে এটা এই জন্য বললাম যে এই আত্মতুষ্টি বা এত সম্মান এত ভালোবাসা এত কিছু পেয়ে যেন কখনো আমরা আত্ম অহংকারে না ভুগি এই জন্যই আমি এটা দিয়ে শুরু করলাম মঞ্চে যারা রয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা সবাই ইউ আর ডুইং এক্সেপশনাল থিং ইউ আর দ্য ক্রিয়েটর অফ জব আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল ডাইনামিক্স এর প্রতি মধ্যে চেঞ্জ করছেন আপনারা আগামা ডিস্ট্রিক্টের ইকোনমিকে আপনারা ডেভেলপ করছেন You are the real ambassador, you are the real hero of our state. আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন আমরা সবাই কাজ করি কাজ ভালোবেসে করি আমরা এবং আমাকে কৈলাস সাহেব বলছিলেন যে জীবনের কিছু কথা বলতে সেটা তো অনেক বড় জীবনের কথা অনেক বড় আজকে দিস জার্নি অফ 35 ইয়ার্স দিস জার্নি begins from a complex training center from my hometown, Kisra. You know Kisra, that is my hometown. So that was a computer training center and that was the first computer training center in Bengal. That was in 1955. We just started with six number of students in a garage with a small table and chair. We started this thing in our hometown. সেখান থেকে এই ছটা স্টুডেন্ট থেকে মিলিয়ন স্টুডেন্টস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড চলে আসে এটা আমার অবশ্যই বলি যে আমি পৃথিবীর যে কোনো শহরেই যাই না কেন আমি আমার ছাত্রদের পেয়ে যাই এবং প্রস্তুতি যারা অন্যান্য কর্মকর্তা আছে এই আসানসোলে এত সুন্দর একটা আপনাদের অনুষ্ঠান করার জন্য আসানসোল একসময় ওয়ার্ল্ডের যে বেস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন রুর সেই রুরের সঙ্গে তুলনা করা হতো রুর অফ ইন্ডিয়া কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আসানসোলের এক একটা করে পালন খসে গিয়েছে আসানসোলে যতগুলি ইন্ডাস্ট্রি ছিল আসানসোলে এশিয়ার মধ্যে সব থেকে বড় গ্লাসের কারখানা ছিল কাছে গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে আসানসোলে পৃথিবী বিখ্যাত সাইকেল কারখানা ছিল সেন্ট্রালে বন্ধ হয়ে গেছে আসানসোলে ইন্ডিয়ান অক্সিজেন বন্ধ হয়ে গেছে আসানসোলে লিকুইড পরমানেন্ট দুধ ফ্যাক্টরি ছিল বন্ধ হয়ে গেছে পরবর্তীকালে বাণপুরের বাগের কারখানা বন্ধ হয়েছে হিন্দুস্তান কেবলস বন্ধ হয়ে গেছে বেকওয়ার্ড পেপার মিল বন্ধ হয়ে গেছে দুর্গাপুরের বিওজিএল থেকে শুরু করে ফার্টিলাইজার থেকে শুরু করে এক এক করে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদে 2011-তে রাজ্যে পরিবর্তনের পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের যাতে উন্নয়ন হয় সেদিকে তিনি নজর দিয়েছিলেন এবং আমরা আসানসোল ইউনিভার্সিটি পেয়েছি আসানসোল আলাদা জেলা পেয়েছি বর্ধমান কে বাইপাস কেসে করে পশ্চিম বর্ধমান যার সদর দপ্তর আসানসোলে আসানসোলে আমরা আলাদা জেলা পেয়েছি আসানসোলে আইটি হাব থেকে শুরু করে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল থেকে শুরু করে অনেক উপহার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই অঞ্চলের মানুষের জন্য দিয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা বিজনেসম্যান তাদেরকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে এগিয়ে আসতে হবে এই কারণে আপনি দেখবেন যে তৃতীয় মাপকাঠি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে এবারে পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির উপরে জোর দেওয়া হবে এবং সেই হিসাবে ইতিমধ্যেই ঠিক
যেখানে আমাদের একটা স্কুল আছে দিল্লি পাবলিক স্কুল, তার উল্টো দিকে আমি মৌজার নামটা ভুলে যাচ্ছি। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।